गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कृपया ध्यान देंगे सुप्रभात. और स्टेटस, ये स्टेट क्या होता है? आपका दिन शुभ हो. पंकज मैथमेटिक्स लकी सराय में स्वागत है. कृपया कल जो आपको पढ़ने में असुविधा हुई थी उसके लिए हमें काफी खेद है क्योंकि टावर भाग गया था. आज आप लोग से अनुरोध है कृपया जल्दी जल्दी जुड़ जाएं. जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको खबर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि वहां पर अभी पढ़ाई शुरू हो गया है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कृपया ध्यान दें, अभी 6:06 हुआ है. कृपया जल्दी सा जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि पढ़ाई को हम जल्दी से चालू कर सकें. और कृपया बताने की कोशिश करेंगे कैसा दिख रहा है और साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा हाँ, 17:05. अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम लोग 17:05 भी देखेंगे. आपको भी यह सुविधा के लिए कल अच्छा से नहीं हो सकता था क्योंकि टावर भाग गया था. मोबाइल कहाँ दे दिया? टावर भाग गया था इसके लिए आपको जो हुई थी असुविधा उसके लिए मैं काफी खेद है. और एक लड़का अभी 17:05 नंबर पूछने के लिए तैयार है. हुआ बच्चा को सब निशान समझ में नहीं आया है, मतलब समझ आए कि रोहित कुमार को निशान समझ में नहीं आया था. यही समझ के हम लोग देखते हैं क्योंकि समझ में आता तो वो 17:05 नंबर नहीं पूछता क्योंकि उस तरह से 50 निशान हम लोग पढ़ चुके हैं. और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा. और देखता हूँ, अभी थोड़ा सा शुरुआत है. और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ने की कोशिश करेंगे. मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जुड़ेंगे. चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कृपया जल्दी जुड़ने की कोशिश करेंगे. चलिए, आज हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 11.4 में हिसाब नंबर चल रहे थे. हिसाब नंबर 17:05 में y बराबर है. 17:05 जो क्वेश्चन है उसमें y बराबर है 10 पर पावर क्वार्ट x और 10x पर पावर क्वार्ट x और प्लस क्वार्ट x पर पावर 10x. शायद यही हिसाब था. अब बताएंगे क्या आपको दिखाई दे रहा है. और नेक्स्ट का एक कल बता रहे थे लेकिन उससे पहले एक लड़का रोहित कुमार जी हैं, उन्होंने पूछ दिया कि सर अभी थोड़ा उसके पहले एक हिसाब बता दीजिए 19:05. यदि आप इसको यू बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, ऐसा होता नहीं. माना कि यू बराबर 10 है एक्स पर पावर बट एक्स तथा भी बराबर व्हाट एक्स पर पावर 10x. यही आपका क्वेश्चन है. अब इसको हम बीच में इधर से एक चिन्ह डाल देते हैं. अब दोनों तरफ लॉग लगाने पर दोनों तरफ क्या करने पर LOG लगाने पर कितना आदमी आप समझ गया होगा. जब चर पर पावर चर रहे, चर पर पावर चर रहे, चर पर पावर चर पर पावर चर रहे तो हमें लॉग लगाना चाहिए कोई भी हिसाब बनाने से पहले. यहाँ पर देख लेंगे 10x पर पावर क्वार्ट x है, क्वार्ट x पर पावर 10x है. इस स्थिति में आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें यहाँ लॉग लगाना चाहिए. कैसे समझिए, यहाँ देख लेंगे 10x पर पावर क्वार्ट x और क्वार्ट x पर पावर 10x है. इस स्थिति में इस हिसाब को बनाने से पहले, हाँ रोशन बहुत लेट जुड़ा है, बहुत लेट से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बाकी लोग जो है उसको बोलिए जुड़ने के लिए. यहाँ 10x पर पावर क्वार्ट x है, क्वार्ट x पर पावर 10x है. और हम बता रहे थे कि जब चर पर पावर चर रहे तो कोई भी हिसाब है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है. डिफरेंशिएशन करने से पहले उसका क्या करना चाहिए, लॉग लगाना चाहिए. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं. यहाँ अपना जाएगा लॉग बराबर लॉग 10x
पर पावर वर्टेक्स आप यहां तक समझ गए होंगे। देखिए इसको लॉग के बाद जो भी सटा हुआ है, लॉग में जो भी सटा हुआ है उसका नाम है एम, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ उसका नाम है एन। तो आप समझ गए होंगे कि कनेक्ट जो देख रहे हैं या जो कनेक्ट देख रहे हैं उसका नाम है एम, और वर्टेक्स का जो देख रहे हैं वो नाम है एन, यानी एम और ये एन है। एन जो है वो पावर के रूप में है, एन जो देख रहे हो वो किस रूप में है, पावर के रूप में। लॉग में जब एन तीन ही फॉर्म में रह सकता है, लॉग में एन तीन ही रूप में रह सकता है, या तो गुणा में रहेगा, या तो भाग में रहेगा, या तो पावर में रहेगा। मैं बहुत दिन पहले से बता रहा हूँ कि जब लॉग में एन जो है गुणा में रहेगा तो जुड़ता है, भाग में रहता है घटता है, भाग में और पावर में रहता है तो सटता है। गुणा में जुड़े, भाग में घटे, पावर में सटे। सटे का मतलब आगे लिखा है, सटे का मतलब आगे लिखना, सटे का मतलब होता है आगे लिखिए। हाँ चलिए यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि पावर ही सट जाएगा, यानी लॉग में का जो मान हो गया या गया वर्टेक्स, या गया आपका वर्टेक्स और लॉग टेनेक्स। चलिए आप जरा देख रहे हैं, लॉग तो है लेकिन उसके बाद केवल टेनेक्स है यानी एम है, लॉग तो है उसके बाद टेनेक्स है अर्थात एम है, लॉग के बाद केवल टेनेक्स है अर्थात। मतलब समझ जाइए कि आप यह लॉग का फॉर्म में नहीं रहा, लॉग इसमें नहीं लगेगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। इसलिए आप हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर डी लॉग यू बटा डी यू गुना डी यू बटा डी एक्स बराबर। देखिए ये दो भाग यहाँ नजर आ रहा है, यू इंटू वी फॉर्म है, यू इंटू वी फॉर्म है, ये वो देख रहे हैं आगे में वर्टेक्स है, बाद में देख रहे हैं लॉग टेनेक्स है। U into V form है, आगे में cortex है, आगे में cortex है, बाद में log cortex है। U into V form है, U को छोड़ो, V को तोड़ो, V को छोड़ो, U को तोड़ो, यानी U को छोड़ के V का differentiation और V को छोड़ के U का differentiation इस रूप में चला है। U into V का कर्म है, तो cortex को हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे D log cortex बटा V cortex V cortex और यहाँ पर लिखेगा डी क्वार्टेक्स बटन डी एक्स। चलिए इस तरह से आगे हम लोग लिखेंगे वन बाई यू डी यू बटन डी एक्स बराबर क्वार्टेक्स, तो देख रहे हैं क्वार्टेक्स ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/10x। और ये हिसाब तो लगता बता दिए, ये हिसाब तो बता दिए, बताइए int हो जाएगा sec square x, 10x का होता है sec square x, 10x का होता है sec square x प्लस log 10x int minus cosec square x। इस तरह से u इधर गुणा है, इधर भागा उधर जाएगा तो गुणा कर du बटा dx का जो मान होगा u, u के जगह पर लिखना 10x पर पावर 1x ब्रैकेट अरे ये 1 बटा 10 को लिखते हैं व्हाट गुणा व्हाट पर व्हाट एक्स पर तब व्हाट एक्स पर x इनटू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x प्लस प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर x इनटू लॉग 10x। यहां तक हम लोग समझ गए du बटा dx का मान आ गया। कोई लड़का नहीं लिख रहा ये नहीं बताए थे सर, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बताए तो फिर से तो बता रहा हूँ। कोई लड़का ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको दिख रहा है साफ साफ ये नहीं दिख रहा, कोई भी लड़का बताने की कोशिश करेंगे कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जिन बाबू को नहीं दिख रहा कृपया बताने की कोशिश करें कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहां तक हम लोग समझ, अब जो है इसको अब हम उधर जो है देखिए यहां तक समझ गए होंगे तो आगे हम लोग चलते हैं
अब पुनः लिखेंगे पुनः मैंने फिर से v बराबर होगा cot x पर पावर tan x log v बराबर log cot x पर पावर tan x। देखिए यहां पर भी देख रहे हैं log दिख रहा है, log 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 दिखने के बाद ₹240 पर दिख रहा है, ₹360 पर क्यों नहीं दिख रहा है राम परवेश कुमार जी? 360 पर क्यों नहीं दिख रहा है? एक सौरभ कुमार और दिखता है कि नहीं दिख रहा? हाँ आपको भी मुबारक हो। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देख रहे हैं लॉग है और लॉग के बाद यहाँ जो देख रहे हैं वो एन है और उसके बाद जो देख रहे हैं वो एन है। इतना साफ दिख रहा है और लड़का बोलता दिख ही नहीं रहा है। कुमार सन्नी राज आदित्य आप, या तो आपका मोबाइल खराब है या तो दिमाग खराब है, दोनों में से कोई एक जरूर खराब है। चलिए यहाँ पर लॉग तो भी ठीक है, अब बराबर tan x आगे चला जाएगा, या जाएगा लॉग cot x। चलिए अब जरा देखिए log के बाद केवल cot x है यानी m है मगर n नहीं है, इसलिए आप log का कोई सूत्र इसमें लागू नहीं होगा। अब क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या d log v बटा dv और गुणा dv बटा कितना dx, अब बराबर tan x को छोड़ देंगे और d log cot x बटा d cot x अगुना t cot x बटा कितना dx। यहाँ तक आप लोग समझ गए? देखिए u into v फॉर्म है, इसको उतार देना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी tan x को उतार दो मतलब छोड़ दो और log x का log cot x का डिफरेंशिएशन करो, तो d सटा log में cot आएगा नीचे, d सटा cot में dx आएगा नीचे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं log cot x यहाँ d tan x अपना कितना dx, मतलब u into v फॉर्म है, u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन, u into v, हाँ गुड मॉर्निंग, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन, यानी पूरी छोड़ो रसगुल्ला तोड़ो, रसगुल्ला छोड़ो पूरी तोड़ो, छोड़ो तोड़ो छोड़ो तोड़ो करने की कहानी यहाँ लागू होगा। 1/v बटा कितना dx बराबर tan x को ठीक है आई टू इसका आ जाएगा 1/cot x करना cot x आई इसका आ जाएगा माइनस cosec a square x अब प्लस log cot x आई इसका आ जाएगा sec a square x। अब जरा देखिए v इधर भागा इधर जाएगा गुना, v इधर भाग उधर जाएगा तो गुना, इधर भाग तो उधर गुना, यानी dv बटा dx का जो मान आएगा v का मान कहां से हम लोग दे देंगे क्वार्टर पर पावर कॉन्टेक्स पर पावर टेन एक्स। चलिए ब्रैकेट अगर जो वन बटा कोट को टेन माइनस या बेटा टेन आर स्क्वायर एक्स इनटू कोसेक आर स्क्वायर एक्स प्लस सेक आर स्क्वायर एक्स इनटू सेक आर स्क्वायर एक्स इनटू लॉग 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 कोट एक्स। यहाँ तक हम लोग समझ, इसको हम समीकरण क्या कहाँ बोलते हैं फर, यहाँ तक जरा सा स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। सर आप बोर्ड की हम अभी बच्चों अभी केवल नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, अभी केवल हम नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जब एनसीईआरटी चालू करेंगे तब आपको बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं
ये आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन यदि भारी से भारी आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है और आएगा भी। चलिए अब हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे तो समीकरण एक लिखेंगे। कहां से समीकरण? फर्स्ट से समीकरण कहां से? फर्स्ट से y बराबर आपको आ जाएगा u प्लस v। अब इसको हम लोग u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का द dy बटा dx, du बटा dx अब प्लस dv बटा dx। अब du बटा dx का मान जो आया था लिख देंगे और dv बटा dx का मान जो है जो लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। du बटा dx का मान तो हमने हटा दिया, आपके वहां पर लिखा होगा वो मान यहां पर लिख देंगे और dv बटा dx का मान मेरे पास है उसको दोनों को जोड़ देंगे, यही आंसर आ जाएगा। हां गुड मॉर्निंग, तो बोल रहा हूं अभी बता रहे थे कि du बटा dx का मान अभी हटा दिए उसको लिखना है और dv बटा dx का मान यहां पर है उसको भी लिख देना, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलने की कोशिश करेंगे। 17-19 का एक नंबर कल बता रहे थे टावर भाग गया था, आइए 19 का y बराबर आपका क्वेश्चन है, y बराबर आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 अब पूरा में क्या है बटा और यहां पर आ रहा है 3x प्लस 1 का हर स्क्वायर, 3x प्लस 1 का हल। यहां तक जो हम लोग देख रहे हैं बना लिए सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए ये जो निशान देख रहे हैं इसमें जोड़ भी है, भागा भी है और गुणा भी है और पावर भी है। देखिए लोग में तीन चीज रहता है, गुणा रहता है, भागा रहता है और पावर रहता है। तो यहां पर जरा देख लीजिए, यहाँ गुणा भी है, भाग भी है और पावर भी है। देखिए गुणा भी है, भागा भी है और पावर भी है, इसलिए इस मैथ को बनाने के लिए हमें लॉग लगाना चाहिए। फिर से समझिए, लॉग का यूज कब होता है? गुणा रहना चाहिए, भाग रहना चाहिए और पावर रहना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा भी है और भाग भी है और पावर भी है, इसलिए इस हिसाब में हमको लॉग लगाने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। लॉग y बराबर लॉग x स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बटा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए लॉग में तीन बात हमको गौर से देखने की जरूरत है, जोड़। लॉग में तीन ही बात देखना है, m और n। जैसे देखिए अभी ऊपर जो देख रहे हैं वो m है, नीचे जो देख रहे हैं वो n है, ऊपर जो देख रहे हैं वो m है और नीचे जो देख रहे हैं वो n है। अभी m बटा n के रूप में है या जो log है m by n के रूप में है, तो log का तीन ही फॉर्म है, या तो गुणा में रहेगा, या तो भागा में रहेगा, या तो पावर में रहेगा। या भाग भागा में भाग में घटता है, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा log y बराबर log x स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 माइनस log 3x प्लस 1 का हल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग समझिए, जब ये माइनस चिन्ह हटाया है तो ये m है, ऊपर वाला ये n है, बटे के रूप में तो लॉग है, बटे तो हो जाएगा घटे। देखिए ऊपर में जो है m है, नीचे में जो है वो n है, तो ये चिन्ह देख रहे बटे का है, लॉग है बटे हो जाएगा घटे। सत्रह का आठवीं क्या दिक्कत है जो नहीं समझे? सत्रह का वही तो हिसाब है, e पर पावर साइन एक्स है प्लस टेन एक्स पर पावर एक्स है, क्या दिक्कत है? सत्रह का आठ में क्या दिक्कत है बताइए। चलिए कुछ मिसाल देते हैं, यहाँ पर भी देखिए इसको n बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। यहाँ पर आ रहा log y, log कितना y बराबर यार log x स्क्वायर प्लस log 4x
velocity per power 1 by 2. Okay, 1 by 2 is that root come out of 1 by 2. The minus, it again, yeah, I can only can go on 3x plus 2. 3x plus 1 per power 2. That's the thing. अब इसको यदि n बोलते हैं इसको n पढ़ना पड़ेगा n पढ़ते हैं तो n पढ़ना पड़ेगा n पढ़ते हैं तो n पड़ेगा तो log n पावर n के रूप में पावर को सटाना पड़ेगा तो log y बराबर हो जाएगा 2 log x अब प्लस 1 by 2 log 4x plus 3 आई टू के लिए आगे आ जाएगा log 3x plus 2 यहां पर करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ अगर d log y बटा d y गुना d y बटा d x यहाँ अगर ये टू कांस्टेंट है d log x बटा d x प्लस 1 by 2 ठीक है d log 4 x plus 3 बटा d 4 x plus 3 और ब्रैकेट 4 d x बटा d x प्लस d 3 बटा d x माइनस को ठीक है d log 4x plus 3x plus 1 बटा d 3x plus 1 3x plus 1 ब्रैकेट d 3 बाहर कर देते हैं dx बटा dx plus d पर बटा अब जरा आगे देख लेंगे इसका जाएगा 1 बटा y dy बटा dx Then you took it, the log x the 1 by x, 1 by 2 theta, the other 1 by 4 x plus 3, into 4, minus 2, 1 by 3 x plus 1, into 3. Do say it again, do you need to? After the y either, haga me the jagger to, guna. Yani dy beta dx, whatever. Y either jagger. y comma on the x square root and then 4x plus 3 butta 3x plus 1 ka plus bracket 2 butta x and then plus 2 butta 4x plus 3 amma and then can be to 6 butta 3x plus 1 you will have the answer रोहित कुमार किसका आंसर नहीं मिला ये बताने कोशिश करेंगे कितना नंबर का आंसर नहीं मिला है रोहित कुमार कितना नंबर का आंसर नहीं मिला है रोहित कुमार जी मेरी आवाज आपके तक जा रही है तो बताने कोशिश करेंगे इतना अच्छा दिख रहा है लड़का बोलता दिखता ही नहीं जितेंद्र कुमार जी बोलिए प्रणाम प्रणाम बोलिए नहीं तो रोज पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन अभी भी पढ़ा रहे हैं YouTube में गाना सुनने लाता है तो YouTube में गाना सुनने लाता है तो पंकज मैथमेटिक्स बोलिए ना एलकेआर पंक हाँ चल आएगा लाइव अभी पढ़ा रहे घंटी घंटी बज जाएगा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा दीजिए आपको घंटी बजने लगेगा घंटी तो सब्सक्राइब करने के लिए बज जाएगा सर लेकिन वो ना कि
ऐसा नहीं होता वो पढ़ाने जाएंगे तो अपने बजे लगेगा मोबाइल ठीक है चैनल चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी बजाइए बंद है आप ही कर लिए ना सब अपनों जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा पढ़ाने बंद करना प्लीज एलकेआर चलिए अब लगता है इस चैप्टर का कोई हिसाब है तो बोलिए इस चैप्टर में कोई भी हिसाब है तो बोलने की कोशिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी बजाइएगा तब ना बजेगा अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कौन भी बजेगा बताइए तो एक लड़का लिख रहा 17 का 8 उसका मत ही कुछ ठीक नहीं है 17 का 1 पूछेगा 17 के 2 पूछेगा 17 के 3 पूछेगा गुंडी पढ़ता रे बाप माई खाली पैसा खा बर्बाद कर रहा है बताइए 17 का 8 ये लोग खाली तमाशा लगा रहा है पढ़ना उठना कुछ नहीं y बराबर u पर पावर साइन एक्स आर प्लस टेन एक्स पर पावर एक्स अब बताइए क्या है इसमें जो नहीं बनता है रोहित कुमार और अशोक पंडित इसमें कौन ऐसा चीज है जो आपसे नहीं बनता है रोहित कुमार जी और अशोक पंडित जी यदि मेरी आवाज आप तक जा रहा है तो आप हमको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन ऐसा चीज है जो नहीं बनता है माना कि u बराबर e पर पावर साइन एक्स तथा v बराबर टेन एक्स पर पावर एक्स बताइए बहुत भारी तो हिसाब नहीं है u बराबर e पर पावर साइन एक्स डिफरेंशिएशन with respect to x du बटा dx बराबर d e पर पावर sin x बटा d sin x into d sin x बटा d बोले इसमें लॉग नहीं लगा है e पर पावर x का तो डिफरेंशिएशन हो भी करता है तो लॉग लगा के हम क्या करेंगे और माता प्रपोजा लेंगे अरे भाई वाह e पर पावर sin x है तो sin x e पर पावर x का भी डिफरेंशिएशन होता है और sin x का e पर पावर sin x रे उसका भी डिफरेंशिएशन होता है और sin x का भी डिफरेंशिएशन होता है तो ज्यादा लोग लगा के इधर पर मान लग जा लेते हैं आप जानते हैं e पर पावर sin x का e पर पावर sin x होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता sin का प्रोसेस चलिए यहां तक हो गया पुनः का मतलब किस v बराबर आपको आ रहा है tan x पर पावर x यहां लोग लगा दिए log v बराबर log tan x पर पावर x x आगे चल जाएगा तो log v बराबर x log tan x अब u into v फॉर्म है इस फॉर्म में है u into v डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x v log v बटा d v अति v बटा d x इतना ठीक है अब यहां देखिए दो चीज आ रहा है इसको हम लोग u कहेंगे इसको v कहेंगे U को छोड़ो V का डिफरेंशिएशन V को छोड़ो U का डिफरेंशिएशन U into V फॉर्मेट छोड़ो तोड़ो आ रहा है यानी X को छोड़ना है और D log tan X बटा D tan X गुना D tan X बटा D X अब प्लस अभी उधर तो दिख रहा है D log X इसको log tan x को छोड़ देंगे और dx बटा dx लास्ट में dx बटा dx इसका अगर 1 बटा dv बटा dx dx ठीक है इसका 1 बटा tan x n2 आ जाएगा sec पर x अब प्लस log tan x dx dx कट के 1 हो जाएगा v इधर भागा होने जाएगा गुना हो जाएगा
यानी डीबी बटा डीएक्स अब बी का मान रहा है कि बी का मान है टेन एक्स पर पावर एक्स इनटू वन बाय टेन को क्वाट एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स अपलस लॉग टेन एक्स लॉग टेन एक्स ये आया आपका डीबी बटा डीएक्स और ये आ गया डीयू बटा डीएक्स दोनों को जोड़ देंगे इसलिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा du बटा dx अपना dv बटा dx दोनों को जोड़ देते हैं du बटा dx का मान यहां से देख लीजिए e पर पावर sin x into cos अपना dv बटा dx tan x पर पावर x tan x पर पावर x into ये वाला आ रहा है x cot x sec स्क्वायर x अपना log कैंडिडेट्स योगे तुम्हारे बारी तोड़ दो हेलो की क्यों वाले वो खड़ी है और आती है मैं यहाँ पर तोड़ फिर ऑप्शन नहीं दिख रहा है वाई बराबर एक्स की पावर इसमें इंफिनिटी नहीं है बच्चों इसमें इंफिनिटी कहां आ रहा है एक लड़का 18 का दो पूछ रहा है 17 का 18 का एक और 18 के दो में फर्स्ट लाइन इंफिनिटी नहीं है बुआ विनय कुमार फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं हेलो प्रणाम प्रणाम बोलिए साइड में देखना ही नहीं है यहाँ पर देखिए डीबी बटा डीएक्स का जो मान है ना वो वही वो वहां पर लिखा है साइड में है ही कुछ नहीं ठीक होगा ठीक आगे 20 नंबर हम लोग देखते हैं उन्नीस का दो बन जाए लास्ट लाइन फिर y बराबर x पर पावर x डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो वही तो लिख देंगे बुआ यहां के y बराबर x पर पावर y हो जाएगा सब लॉग लगा देंगे दोनों तरफ ठीक है ना x पर पावर x पर पावर x पर पावर x पर पावर x रहेगा जैसे देखिए यही मैं पूछ रहा x पर पावर 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 डॉट ऐसे ही चलेगा यही मैं पूछ रहे थे तो देखिए पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स इसका नाम हो गया वाई क्या नाम हो गया वाई ये पूरा जो क्वेश्चन है इसका नाम क्या हो गया वाई अब यदि समुद्र से एक बूंद पानी निकाल लेंगे तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा मान लीजिए इसको हम सभी लगे एक्स पर पावर एक्स पर पावर एक्स पर पावर एक्स पर पावर एक्स ही लिखेगा इसलिए हम लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स पर पावर वाई नहीं समझे देखिए y जो है x पर पावर 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 x यानी ये समुद्र है उससे एक बूंद पानी निकाल लेते तब भी समुद्र भी बचता है और उस समुद्र का नाम क्या है वायु है वायु पर x पर पावर 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 x है उसका नाम क्या है वायु है यदि एक बूंद निकाल लेते तब भी वायु बचेगा एक बूंद से ना घटेगा ना तो बढ़ेगा
इसलिए ई एक्स पर पावर हो गया भाई, दोनों तरफ लोग लगा देंगे बन जाएंगे। स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर करना तो होता है जब रूट रहता था, यहां पर लोग लगाना है, पर आइए 20 नंबर तक कोई क्वेश्चन है तो बताया जाए। अरे लगा अशोक पंडित, तुमको पढ़ना है कि तमाशा ले जाना है, बताइए तू ये दोनों कहां से, बताइए तो अगर कोबो कोनिया का कहां से आ गया रे, एक्स पर पावर वाई प्लस वाई पर पावर एक्स बराबर बताइए 18 का सेकंड, देखिए एक्स पर पावर वाई प्लस वाई पर पावर एक्स बराबर हम बोला था पढ़े उड़े नहीं आया तमाशा लगा के लाया कोबो कोनिया का ही दोनों ये वाई एक्स पर पावर वाई मतलब समझ रहा है एक्स पर पावर 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 लगा रहे वाई पर पावर एक्स मतलब समझ रहे वाई पर पावर 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 ये दोनों ये क्या चीज है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दे देंगे इस पर जरा देखेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा एक्स पर पावर वाई ऐसा नहीं है जैसा क्या करते हैं माना तथा अब भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं y पर पावर x समझ में आ रहा है इसको हम लोग u पढ़ दिया इसको क्या पढ़ दिया v पढ़ दिया ये समीकरण कितना है फर्स्ट यहां तक में कोई दिक्कत नहीं यहां log लगा देंगे तो log u बराबर x पर पावर y log कितना x पर पावर y y सट जाएगा आगे y क्या होगा आगे सटेगा बोले काहे सटेगा और जो भी देख रहा है उससे क्या मतलब है 100 देखे 50 देखे उससे कोई मतलब नहीं है विनय कुमार जी मेरा काम है पढ़ाना व्यू देखिएगा कि एक घंटा तो घंटा के बाद वो 1000 पार हो जाता है ये कतरा लग खो रहा है 18 का चार पूछता है 18 के चार नंबर है कि रे सौरभ कुमार साहब पागल है कि तुम्हारा मति गर्म हो गया 18 में चार क्वेश्चन है 18 में दो क्वेश्चन है तो चार नंबर कहां से आ गया लगता है तुमको रांची ले जाना पड़ेगा 18 में दो क्वेश्चन है ये चार नंबर पूछ रहा है बताइए देखिए सौरभ कुमार साहब 18 में क्वेश्चन है दो पूछ रहा है चार नंबर वाह रे लड़का ये सट जाएगा दिया जाएगा log v log u बराबर y log x डिफरेंशिएशन with respect to x ये कैसे आया इसे log u का ठीक आ रहा है y में ये n का मान है n जो है पावर के रूप में है तो पावर में क्या होता है सट जाता है हां पावर में सट जाता है सट जाता मतलब पहले लिखा जाता है इसलिए y में से क्या है d log u अपर d u गुना d u पर t बराबर ठीक है y छोड़ देंगे d log x बटा dx अब प्लस अभी log x को छोड़ देंगे dy बटा इसको हम लोग जानते हैं 1 by u क्या है 1 by u हो जाएगा और du बटा dx हो जाएगा अब बराबर y log x का 1 by x हो जाएगा प्लस log x और dy बटा इधर ये u इधर भागा उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा du बटा dx बराबर u का मान तो u का मान यहां से देखते हैं u का मान क्या है x पर पावर y इनटू इनटू मतलब राइट है y बटा x अपर प्लस log x इनटू dy बटा चलिए पुनः का मतलब होता है फिर से v बराबर log v बराबर y पर पावर x log v बराबर log y पर पावर x समझ में आ रहा है लेकिन चर पर पावर चर रहे चर पर पावर चर रहे तो लोग लगाना चाहिए तो इधर भी लोग लगा दिया उधर भी लोग लगा दिया इस तरफ भी लोग लगा दिया और उस तरफ भी लोग लगा दिया लोग में जो भी सटा हुआ उसका नाम है एम और उसके बाद जो भी लिखा है उसका नाम है एन तो ये हो गया एम ये हो गया एन यानी एन का जो मान है वो एक्स है और एन जो है वो पावर के रूप में एन तीन ही रूप में रह सकता है
या गुणा में रहेगा या भागा में रहेगा या तो पावर में रहेगा तो यहां जो दे रहे पावर में तो पावर को संख्या है लॉग भी कुछ ही है बराबर x लॉग क्या हो जाएगा y अब क्या करना डिफरेंस सन विद रिस्पेक्ट टू x लॉग भी कटिंग लॉग भी बटा d भी और d भी बटा कितना dx बराबर x को छोड़ेंगे d log y बटा dy गुणा dy बटा dx प्लस प्लस आपने log y को छोड़ देंगे dy dx बटा dx यहां तक हम लोग समझ गए 1 का लिया जाएगा b d b बटा dx बराबर x u1 पर y dy बटा dx अब प्लस किया जाएगा log y अब देखिए b इधर भागा होने जाएगा तो गुणा इधर है भागा होने जाएगा गुणा यानी d b बटा कितना dx अब b का मान लेंगे b का मान आएगा y पर पावर x into x बटा y x बटा y x बटा y dy बटा dx अब प्लस log y यहां आपको हो गया dy बटा db बटा ds का मान आई हो गया du बटा ds का मान हां बहुत अच्छा ऋषभ कुमार और ऋषभ कुमार यहां m और n भी समझ रहा बहुत अच्छा हां पावर रहता तो सट जाता बहुत अच्छा ऋषभ कुमार बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया कृपया स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे फिर आपको जो है ना आगे से चलेंगे समीकरण एक से यहां तक आ गया होगा राहुल समीकरण कहां से फर्स्ट से तो इसको पढ़े तो u इसको पढ़े तो v बराबर हुआ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तब du बटा dx प्लस dv बटा dx बराबर u अब देखिए du बटा dx का मान यहां से आ रहा है du बटा dx का मान यहां से आ रहा है y x पर पावर y into y बटा x प्लस log dy बटा dx log x dy बटा प्लस dv बटा ds का मान यहां से y पर पावर x into x बटा y dy बटा ds अब प्लस log y बराबर 0 दोनों को जोड़ के क्या करना है 0 करना है यहां तक हम लोग समझ गए की हुआ रोशन कोई दिक्कत आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा रोशन रोशन मननपुर कोई दिक्कत नहीं हो रहा अगर देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे इसको गुणा करेंगे तो बदलेगा y into x पर पावर y माइनस 1 ये कैसे हो गया सर x में एक पावर घट जाएगा अब प्लस x पर पावर y log x dy बटा dx इसको इसमें गुणा करेंगे प्लस x into y पर पावर x माइनस 1 dy बटा कितना dx प्लस इसको गुणा करेंगे y पर पावर x log y बराबर 0 तो क्या इसमें और इसमें dy बटा dx नहीं है y log x अब प्लस x y पर x माइनस 1 अब बराबर ये इधर माइनस में चल जाएगा तो y पर माइनस y पर पावर x log y अब माइनस y x पर पावर y माइनस अब देखिए इधर गुणा रहता में जाएगा तो भागा यानी dy बटा dx का जो मान होगा माइनस को आगे ले गए तो ये y पर पावर x log y माइनस माइनस से प्लस कर दे माइनस कॉमन ले लेते हैं y पर पावर x माइनस 1 y इनटू x पर पावर y माइनस 1 इधर चल जाएगा x पर पावर y log x अब प्लस x y पर पावर x माइनस 1 ये हो गया तुम्हारा आंसर
बहुत कीजिएगा तो इसमें x y गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ वैल्यू पुट करने हैं, कि लालू कुमार रामसिंह गुड मॉर्निंग, इतना लेट के बाद बोल रहे हैं। रामसिंह में अभी सुबह हुआ है क्या? चलिए एक लड़का 2051 बोल रहा है, राहुल बोतल में पानी लेकर दीपक खोल के देखो पानी ठीक में चाहिए। एक लड़का अभी देखिए 19 का सेकंड पूछ दिया, मतलब लड़का को पढ़ने से मतलब नहीं है ना, उसको बनाने से मतलब, मतलब केवल उसके वीडियो उतर जाए बस, उससे ज्यादा उसके दिमाग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्या बोले मोटर में अच्छा पानी यार, y बराबर 2 इंटू x माइनस साइन x, y बराबर 2 इंटू x माइनस साइन x पर पावर 3 बाई 2। अब बता रूट x। चलिए 19 का दो भी मैं बता रहा हूं, जरा सा ध्यान दे दीजिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं देखिए इसमें गुना भी है, भागा भी है और पावर भी है, इसलिए इसमें लॉग लगाने की जरूरत है। तो हम लोग लॉग लगा देते तो लॉग पॉइंट बराबर लॉग लॉग 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स पर पावर 3 बाई 2 बटा रूट एक्स। अब एन का मान कोई बताने की कोशिश करेगा और एन का मान कोई, यदि लड़का जो वीडियो को देख रहे हैं कृपया एम का मान बताएंगे और एन का मान बताएंगे। हाँ यदि किसी लड़के को एम का वीडियो रुक रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए मेरे पास भी मोबाइल है और देखिए इसमें तो वीडियो रुक नहीं रहा है। रोशन कुमार मननपुर हेलो प्रणाम प्रणाम, की तुम्हारा मोबाइल ही खराब हो गया अभी, देखो तुम यहाँ मोबाइल में देख रहे हैं। कोई लड़का बताएंगे क्या वीडियो रुक रहा है, कोई लड़का लिखेंगे कि कोई वीडियो रुक रहा है, ऊपर वाला या मैं और नीचे वाला या रोशन रोशनी कुमार, देखिए वो लड़का बताएंगे एक लड़का है राम विलास कुमार, राम बली कुमार, या तो उसका मोबाइल ही खराब है या तो वहां टावर नहीं है। चलिए वीडियो नहीं रुक रहा है, मेरे पास भी तो चल रहा है, तो रुकता यहाँ भी है, यहाँ लोग तो ठीक है वाइट ठीक है। आप देखिए ऊपर वाला तो एम कहेंगे नीचे वाला तो एम कहेंगे, क्या जाएगा लोग 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स पर पावर 3 बाय 2। यहाँ तक हम लोग
देखिए उसके बाद होगा माइनस log x पर पावर 1/2 ये 1/2 कैसे आ गया देखिए ऊपर वाला जो देख रहे हो m का मान है नीचे जो देख रहे हैं n का मान को लगता है 99% विद्यार्थी mm को पहचान लिया कि गुणा है कि भागा है कि पावर है क्या मैं जो बोल रहा हूं वह सही है कि गलत है देखिए आप बहुत जगह वीडियो को देखते होंगे लेकिन मेरा वीडियो कुछ अलग है अन्य लोगों से मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरा सभी विद्यार्थी के दिमाग में चल जाए कि आगे क्या लिखना देखिए सब लोग यहां लिख रहा था कि ऊपर में जो m है नीचे में जो n है इसका मतलब m / n का रूप है log है बटा तो हो जाएगा घटा log है घटा तो हो जाएगा बटा हां बहुत अच्छा हां समझ गए आप देखिए ये पावर ये है अब ये इतना ना लिखेंगे तो log हो जाएगा आपके हिसाब से y बराबर log 2 प्लस log x - sin x पर पावर 3/2 - log x पर पावर 1/2 एक लाइन अगला लिखेंगे तो log y बराबर log 2 तो ठीक है log 2 यहां ठीक है अभी आगे चलाएगा प्लस 3/2 log 3/2 log x - sin x मतलब कैसे हो गया ये जो देख रहे 3/2 n है इसलिए आगे सट जाएगा हां पावर है पावर सटता है ठीक है माइनस 1/2 log अब क्या करना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहां तक हम लोग समझ गए जरा ध्यान दीजिएगा d log y डायरेक्टली नहीं सर d log y का 1/1 dy बटा d डायरेक्ट d log y बटा dy और dy बटा d यहां तक ठीक है बराबर log 2 का कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी होता है अच्छा ठीक है d log बटा d प्लस 3/2 ठीक है d log x - sin x बटा d x - sin x ब्रैकेट ठीक है dx बटा dx माइनस d sin x बटा dx माइनस 1/2 d log x बटा d यहां तक हम लोग समझ गए कैसे समझिए इसमें भी डिफरेंशिएशन लगेगा इसमें भी लगेगा इसमें भी सब में डिफरेंशिएशन लगा दिए यहां 1/y dy बटा dx log 2 का कांस्टेंट चला जाएगा 0 हो जाएगा 3/2 ठीक है log का होता है 1/ x sin x x - sin x इसका है 1 - cos x और माइनस 1/2 इसको 1/2 अब देखिए y इधर भाग लगता है बटा में होने जाएंगे सके ये में बटे तो होने जाएंगे सके यानी डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बटा dx बराबर y y का मान यहां से लेना 2 into x माइनस sin x पर पावर 3/2 बटा रूट x y जैसा ही रहेगा अब ब्रैकेट लगाएगा देखिए 3 बटा 2 into x माइनस 1 माइनस आ जाएगा cos x और sin x ठीक है sin x आया रहेगा माइनस 1/2 ये हो गया तुम्हारा चलिए 20 नंबर एक हिसाब बता देते हैं उसके बाद आप लोग कल देखेंगे आप लोग कल बना के आइएगा एक हिसाब हमको बना देंगे
आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos x cos 2x cos 3x चलिए कोई बात नहीं 20 नंबर का फर्स्ट जो देख रहे हैं y बराबर cos x cos 2x cos 3x ऐसे क्वेश्चन है y बराबर cos 2x cos x cos 2x cos 3x ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है अब यहां पर हम लोग देखेंगे हां log लगा दें तो log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x साइड ऐसी है यहां x का मान बताइए n का मान बताइए और p का मान बताइए जल्दी बोलिए m का मान कितना n का मान कितना p का मान कितना जल्दी से कोई भी लड़का है तो बताने की कोशिश करेंगे m का मान n का मान टाइम तो हो गया आपको पता है लेकिन ये हिसाब बना बताएंगे आप टाइम नहीं होने देंगे हम जानते हैं कि तुम आइंस्टीन के बाद तुम्हारा ही नंबर है लेकिन बताइए ना m और n और p का मान कितना बाबू कुमार हम जानते हैं कि अगला आइंस्टीन कुमार या अगला अभी आने वाला आइंस्टीन तुम ही लोग है हम बोलते बनाइए हां बहुत अच्छा है तो यहां पर हम लोग समझ रहे हैं m है n है और p है इसका मतलब हो जाएगा log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x बोले प्लस कैसे हो गया गुणा में जुड़ता है गुणा में क्या होता है जुड़ता है तो यहां पर देखेंगे 2 into into है log cos x log cos 2x log cos 3x हो जाएगा यहां तक हम लोग समझ गए अब क्या करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d log y बटा dy अब गुणा dy dx d log cos x d cos x d cos x बटा dx प्लस d log cos 2x बटा d cos 2x d cos 2x d 2x 2 dx बटा dx प्लस d log cos 3x बटा d cos 3x d cos 3x बटा d 3x 3 dx बटा dx उधर वाला नहीं दिख रहा है चलिए अब तो दिख रहा है इसका जो 1 by y dy बटा dx इसका cos का 1 by cos x log में है अब cos का minus sin x यह जाएगा 1 by cos 2x अब गुणा हो जाएगा minus sin 2x into 2 और इसका जाएगा 1 by cos 3x और इसका minus sin 3x into 3 ये y इधर भागा उधर जाएगा गुणा इधर भागा होने जाएगा तो गुणा तो dy का क्या y उधर चल जाएगा तो y का मान है cos x cos 2x cos 3x चलिए sin बटे cos करते हैं तो minus 10 x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x ये हो गया तुम्हारा आंसर और tan कैसे आया कि ये sin है बटे cos sin बटे cos 10 और sin बटे cos 10 असाइनमेंट में पॉज कीजिए हो गया तुम्हारा आंसर चलिए आज इतना ही आपको हुई असुविधा के लिए हमें काफी खेद है
कल तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, क्लास 10 का चालू करना है, जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं कृपया उसको बोलिए जुड़ने के लिए।